यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक किया। अभी यहाँ पे देखिए वीडियो पे मेरा क्लेम आ चुका है यहाँ से, ये वाला देखिए यहाँ पे क्लेम दिखा रहा है ना, कॉपीराइट क्लेम यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसको हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पे देखिए हटाने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर किसी यूट्यूबर के साथ ऐसा होता है, मैंने भी ऐसा फेस किया हूँ, और अगर कोई भी नया नया क्रिएटर आता है उनको भी ये सारा चीज़ फेस करना पड़ेगा। अभी मेरा जो YouTube चैनल है उस पर वीडियो एक अपलोड किया, वहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक था, मेरे जो वीडियो शूट किया उसके साथ एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है ना, तो उसी बैकग्राउंड म्यूजिक में मुझे कॉपीराइट क्लेम आ चुका है, ठीक है, कॉपीराइट क्लेम। तो यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक अलग होता है, क्लेम अलग होता है, तो कॉपीराइट क्लेम को हम हटा सकते हैं किंतु लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक को हटा नहीं सकते, ठीक है। तो मेरे वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया है, तो कॉपीराइट क्लेम भाई कैसे हटाएंगे, बहुत सारे क्रिएटर ऐसे भी हैं उनको पता नहीं है कॉपीराइट क्लेम किस तरह से हटता है। तो अभी पिक्साबे पे मैंने एक सॉन्ग बैकग्राउंड म्यूजिक है मैंने वहाँ पे डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद मेरा वीडियो पे उसको लगाया उसी बैकग्राउंड म्यूजिक का, लेकिन उसको यूट्यूब पे अपलोड किया, उसी वीडियो को अपलोड करने के बाद वहाँ पे कॉपीराइट क्लेम आ चुका है। तो कॉपीराइट क्लेम अगर आया है तो उसको रिमूव भाई कैसे करें वो तो पता नहीं है किस तरह से होगा, तो आज इस वीडियो पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आपका वीडियो पे अगर कॉपीराइट क्लेम आया है, आपने पिक्साबे पे आपने बैकग्राउंड म्यूजिक को डाउनलोड किया, आपने वीडियो पे लगाया लेकिन कॉपीराइट क्लेम आ चुका है, तो उसको कैसे हटाएंगे इसी वीडियो पे पूरा बारीकी से डिटेल्स में बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप, आपको ध्यान से देखना है। आपका भी वीडियो पे जो कॉपीराइट क्लेम आता है बैकग्राउंड म्यूजिक के वजह से, उसको आप बहुत ही आसानी से उसको रिमूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और मैंने भी रिमूव किया हूँ और मेरा बहुत जल्दी रिमूव भी हो गया, ठीक है। तो चलिए मैं अपने स्मार्टफोन पे करके ही बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, आपको देखना है, और आपका भी कॉपीराइट क्लेम आया है अगर किसी भी म्यूजिक में आपका भी क्लियर हो जाएगा, और आप चाहते हो कि बैकग्राउंड म्यूजिक हमेशा यूज करना है लेकिन कॉपीराइट क्लेम का झंझट है उसको कैसे ख़त्म करेंगे, बैकग्राउंड का जो म्यूजिक है आप उसको हमेशा यूज कर सकते हो, और वहाँ पे आपको कॉपीराइट क्लेम का जो सर्टिफिकेट है उसी को आपको पास रखना है, सब वीडियो पे आप अपना बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हो, और कॉपीराइट जो सर्टिफिकेट होता है ना वहाँ पे अपलोड कर दोगे तो आपका झंझट ही खत्म, वहाँ पे उसी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे का प्रोसेस। आज देखिए यहाँ पे मैंने पिक्साबे पे मैंने सॉन्ग लिया था, यहाँ से बैकग्राउंड सॉन्ग लिया था, और उसको क्या किया, यहाँ से सॉन्ग को डाउनलोड करके मेरा जो वीडियो है वीडियो पे लगाया था, यहाँ पे YT स्टूडियो को ओपन करता हूँ, यहाँ पे वीडियो पे लगा के यहाँ पे वीडियो को अपलोड किया था, यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक किया। अभी यहाँ पे देखिए वीडियो पे मेरा क्लेम आ चुका है यहाँ से, ये वाला देखिए यहाँ पे क्लेम दिखा रहा है ना, कॉपीराइट क्लेम यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे कॉपीराइट यहाँ पे दिखा रहा है इस वीडियो पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपीराइट दिखा रहा है मुझे। इस वीडियो पे मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया था पिक्साबे पे, उसी म्यूजिक को यहाँ पे वीडियो पे लगाया हूँ और कॉपीराइट आ चुका है, तो इसको हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पे देखिए हटाने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक करने के बाद ये वीडियो ओपन हो जाएगा आपका, ओपन होने के बाद यहाँ पे जो कॉपीराइट लिख रहा है ना यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इसको रिमूव करेंगे, ठीक है, तो ये हट जाएगा, हमारा कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। कॉपीराइट क्लेम पे क्लिक किया, यहाँ पे रिव्यू इशू, यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक कर लेना है, करने के बाद आपका जितना भी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया है यहाँ पे शो हो जाएगा, देखिए मेरा यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम इतना ही आया है यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे सिंपली आपको ये जो ऑडियो है ऑडियो का नाम वगैरह यहाँ पे दे रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये जो ऑडियो का नाम वगैरह यहाँ से सारा दे रहा है, अभी यहाँ पे इसी पे क्लिक करूँगा मैं, क्लिक करने बाद यहाँ पे जो फ्लाग का ऑप्शन है ना फ्लाग वाला, यहाँ पे इसको म्यूट भी कर सकते हो, ये वाला म्यूट कर सकते हो, यहाँ पे ट्रिम आउट कर सकते हो, डिस्प्यूट भी कर सकते हो, डिस्प्यूट यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इसका लाइसेंस है मेरे पास इस सॉन्ग का, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जो चेकबॉक्स है ना यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, मैं टिक कर देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्या है उस म्यूजिक के बारे में, यहाँ पे लाइसेंस है कि कंटेंट ओरिजिनल कंटेंट है, जो भी है आपको डिटेल्स यहाँ पे डालना है, मेरे पास लाइसेंस है मैं लाइसेंस पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, और यहाँ पे टर्म्स को यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा,
यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे लाइसेंस जो है मैंने म्यूजिक का जो लाइसेंस है यहाँ पे मुझे पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सारा लेटर मैं लिख कर रखा हूँ यहाँ पे, मैंने डाउनलोड किया था उस लेटर को, तो उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं फाइल को ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक का सारा डिटेल्स यहाँ पे है मेरा। देखिए यहाँ पे ये वाला फर्स्ट वाला, ये वाला इसी वाला सॉन्ग को लगाया था वीडियो पे, ये कॉपीराइट क्लेम आ चुका है। और यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करके रखा हूँ लाइसेंस, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये फर्स्ट वाला मेरा जो म्यूजिक यूज किया था इसका सर्टिफिकेट लाइसेंस है, यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस क्रोम पे क्लिक करूँगा, ये ओपन हो जाएगा। इसको सारा सिलेक्ट कर लूँगा अभी यहाँ से, ऐसे सारा मैं सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा यहाँ से कॉपी, और यहाँ से फिर दोबारा वाइट स्टूडियो पे जाऊँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा इसको, और फालतू का चीज़ों को यहाँ से डिलीट कर देना है मुझे, यहाँ से फालतू वाला चीज़ हटाना है। हटाने के बाद यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे टिक कर देना है यहाँ पे सारा, और यहाँ पे आपका फुल नाम लिखना है। मैं अपना नाम यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, मैंने नाम लिखा, और यहाँ पे सिंपली आपको सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करोगे ये जो कॉपीराइट क्लेम आया है ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो चुका है, अभी 30 डेज का ये रिव्यू में डालेंगे, और 30 डेज नहीं लगता है, 30 डेज के अंदर ही, 1 घंटा के अंदर हो जाता है, 1 घंटा आधा घंटे के अंदर ये आपका क्लियर हो जाएगा, कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गॉट इट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ पे टाइमिंग कुछ चल रहा है यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने लाइसेंस सबमिट कर दिया है, तो ये मुझे आधा घंटे के अंदर ये भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो 30 डेज देते हैं रिव्यू के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से आप कॉपीराइट क्लेम को बहुत ही आसानी से हटा सकते हो। तो यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ, तो ये मेरा प्रोसेसिंग चल रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। इसी तरह कंटेंट बनाता रहता हूँ मैं, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।